कृष एक परिचय। ये 2008 की बात रही होगी जब प्रोफेसर देवजी वशिष्ठ और डॉक्टर शुश्रुतलमस अत्री के मन में विचार आया कि एक संस्थान ऐसी होनी चाहिए जो वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करे और री इन्वेंट करे जो वैदिक विजडम है। प्रोफेसर देवजी वशिष्ठ करीब 30 साल से देश विदेश में वैदिक ज्ञान और विज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और विश्व में करीब 40 से ज्यादा देशों में उन्होंने वैदिक ज्ञान और विज्ञान का प्रचार किया है और खास उनका विषय रहा है भारतीय वैदिक ज्योतिष। और डॉक्टर शुश्रुतलमस अत्रे करीब 35 साल से वेद विज्ञान ज्ञान के अलग अलग विषयों पे अध्ययन कर रहे हैं और उनको आज के संदर्भ में कैसे लोगों को समझाया जाए उसके ऊपर काफी रिसर्च करी है। तो आखिर वो दिन आया जब कृष नामक संस्थान की स्थापना हुई 6 दिसंबर 2018 को और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर हुआ 7 दिसंबर और 2018 को। कृष का पूरा फॉर्म है कार्मिक रेस्टोरेशन एंड रिवाइवल ऑफ इंडो वैदिक साइंटिफिक एंड सोशियो कल्चरल हेरिटेज और इसका विजन है री इन्वेंटिंग वैदिक विजडम। और ये जो वृक्ष है जो आप देख रहे हैं इसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं वो वैदिक ज्ञान विज्ञान के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैदिक नॉलेज ट्री कुछ इस प्रकार है, ओम वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ब्राह्मणास आरण्यक उपनिषद वेदंग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष उपवेद आगम शास्त्र पुराण रामायण महाभारत भगवद गीता काव्य काव्य शास्त्र एथिकल पोएट्री फेबल्स एपिग्राफी कामशास्त्र चार्वाक जैनिज्म बुद्धिज्म सांख्य योग वैशेषिक न्याय पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और ये पूरी सूची नहीं है, इस और भी कई वेद के जो स्क्रिप्चर्स हैं जो ब्रांचेस हैं वो अवेलेबल हैं। तो इन सभी जो वैदिक ब्रांचेस हैं उनके ऊपर रिसर्च हो इसी के लिए कृष का की स्थापना हुई है। आदि शंकराचार्य है जिनको जिन्होंने वेदों को कंपाइल करा जब पूरे भारतवर्ष में वो घूमे और उन्होंने वैदिक मंत्रों को एक जगह उनका गठन करा और फिर उन मंत्रों को उनके विशेष सूची के हिसाब से 4 वेदों में बांटा, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद। 4 वेद में उन्होंने ये कंपाइल करा सारे वैदिक मंत्रों को और उनका जो विचार था वेदों के बारे में या वैदिक ज्ञान विज्ञान के बारे में, ओनली ए टोटल रिफॉर्मेशन एंड ए वर्ल्ड विंड रेवोल्यूशन इज नीडेड टू मेक द डॉन ऑफ विजडम क्लियर एंड ब्राइट। स्वामी शिवानंद ने वेदों के बारे में कहा, वैदिक ज्ञान के बारे में विज्ञान के बारे में कहा, ए न्यू प्रेजेंटेशन ऑफ द वैदिक प्रिंसिपल्स इज द नीड ऑफ द आवर।
वी कैन फॉलो वेदिक प्रिंसिपल्स इन स्पिरिट बट नॉट इन लेटर. द सोसाइटी इज एडवांसिंग एंड चेंज कंसिडरेबली. ए फ्रेश एंड मॉडर्न प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेदास टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ अवर टाइम इज वेरी नेसेसरी. स्वामी विवेकानंद ने वेदों वेदिक ज्ञान के बारे में कुछ ऐसा कहा, वेदिक नॉलेज डज नॉट मीन द नॉलेज वी हैव बट द एसेंस ऑफ दैट विच इज एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. एन आइडियल ग्लोबल सोसाइटी वुड बी द वन वेयर द वेस्टर्न मटेरियलिज्म वुड बी इन परफेक्ट बैलेंस विद ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म. स्वामी विवेकानंद, फॉर द पीपल ऑफ मॉडर्न इंडिया द टेम्पल्स आर लाइकेन टू द किचन एंड द आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस टू द कुकिंग पॉट्स वेयर द स्पिरिट ऑफ रिलीजन इज गॉन ओनली द कॉस्मिक एक्सटर्नल रिमेन्स. दिस स्टेट ऑफ थिंग मस्ट गो. एक उदाहरण के तौर पे, हम जब से बड़े हुए हैं, आप हम हमने गणेश जी का स्वरूप देखा है, वो एक ही तरीके का स्वरूप देखा है कि उनके चार हाथ हैं, चूहे पे विराजमान हैं, एक दंत है, बड़े कान हैं, छोटी आंखें हैं. इस तरह उनके कई गणेश जी के जो स्वरूप है उनकी सिंबलाइजेशन है. पर ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ किसी ने ब्रश उठाया और गणेश जी इस तरह उनका निर्माण हुआ, उनको उनका एवोल्यूशन हुआ. नहीं, जो शुरू में प्री वैदिक वैदिक काल है उसमें गणेश जी कुछ ऐसे दिखते थे. इनकी चित्र जो लोग बनाते थे वो कुछ ऐसा था, उनको इविल गॉड में शामिल करा जाता था, जो हर चीज में ऑब्स्ट्रक्शन करते थे, रुकावटें करते थे, तो लोग उनसे डरते थे. लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ा, लोगों को पता चला कि जो उनके कार्यों में विघ्न आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, उसके कई कारण हैं. उनकी अज्ञानता भी हो सकती है, कुछ नेचुरल कम्युनिटीज, कुछ और फैक्टर्स. वो धीरे धीरे जैसे उनको इवॉल्व हुआ, जैसे ही दुनिया आगे चली और पता चला कि क्या क्या है जो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हम इस स्वरूप तक पहुंचे जिसमें उनके डिफरेंट जो गणेश जी के बॉडी पार्ट्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जो उनके चार हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, वो कुछ ना कुछ सिंबलाइज करते हैं. लेकिन ये यहां पर आके जो वैदिक विज्ञान है वो रुक गया. एक ऐसा समय आया कि विज्ञान की जो वैदिक विज्ञान की जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो रुक गई. हम आगे बढ़ ही नहीं पाए. वेस्टर्न साइंस ने टेक ओवर करा, लेकिन जो ईस्टर्न साइंस थी वो पीछे रह गई. उसमें प्रोग्रेस होनी बंद हो गई, उस पर रिसर्च होनी बंद हो गई और वो बढ़ी नहीं आगे. नहीं तो आज गणेश जी के 16 या 32 हाथ होते, जो एक गणपति यानी क्वालिटीज ऑफ ए लीडर उसको सिंबलाइज करते. हाँ, कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनका स्वरूप काफी इवॉल्व हुआ, जैसे दुर्गा जी. अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट है. हम उसकी डिकोडिंग कर रहे हैं. कृष्ण में दुर्गा सप्तशती आज के समय के हिसाब से क्या उसका महत्व है हमारे जीवन में, तो उसके ऊपर विचार करा जा रहा है, उसकी रिसर्च हो रही है. इसी प्रकार जो कृष्ण भगवान का जो विराट रूप है उसमें भी काफी रिसर्च हो रही है कि वो आज के जमाने में, आज के जीवन के हिसाब से कैसे उसको समझा जाए. और कई ऐसे मंत्र हैं, आपको ये ज्ञान है कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है दिल्ली में, उसमें गायत्री मंत्र के ऊपर कई सालों से रिसर्च चल रही है और उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकाले हैं कि उससे जो ब्रेन का लॉजिक्स का सेंटर है, डिसीजन टेकिंग का सेंटर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका साइज में उन्होंने देखा कि वो बढ़ गया जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का रेगुलर उच्चारण करा. तो आप सब भी जो वैदिक विज्ञान है उसको पुनर्स्थापित करें, उसको दुनिया के सबसे महान, सबसे बड़े विज्ञान की तरफ लेके जाएं. वेस्टर्न साइंसेस तो अपना रोल प्ले कर रही है, ईस्टर्न साइंसेस को भी री एस्टैब्लिश करना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है.
तो आइए मिलकर जो हमारे वैदिक विज्ञान है उसको रिस्टोर करें, रिवाइव करें, रीडिस्कवर करें, रीइन्वेंट करें, रीएस्टैब्लिश करें। और ये जो मिलेनियम है 2000 से 3000 के बीच का, जिसको नॉलेमिनियम कहते हैं, ये हर हाल में वैदिक विज्ञान का मिलेनियम माना जाएगा। वैदिक विज्ञान ज्ञान और विज्ञान पूरी दुनिया में सबसे सर्वप्रथम विज्ञान के रूप में आगे निकलेगा। और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा और मोदी जी ने जय अनुसंधान जोड़ा है। तो ये अनुसंधान की जरूरत है, ये ऋषियों का देश है भारत की जो भूमि है, ऋषियों की भूमि है, जहाँ हर जो बच्चा पैदा होता है वो एक बॉर्न साइंटिस्ट है। तो अपनी जो ये साइंटिफिक जो हमारा जीन्स में साइंस है उसको उभारे और वैदिक विज्ञान को सर्वप्रथम करने में आइए हम सब मिलकर अपना योगदान दें।